ब्यावर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रविवार को रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की एक प्लांटू ने सहायक कमांडेंट धन्नाराम यादव के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजारों में शहर थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह हाड़ा व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैंग मार्च निकाला। सहायक कमांडेंट धन्नाराम ने बताया कि 2 से 8 अगस्त तक जिले के थानों में जाकर जवानों को परिचय अभ्यास कराया जा रहा है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। फोर्स के जवानों ने थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह व अन्य पुलिस के जवानों के साथ शहर में फ्लैंग मार्च निकाला। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 83 REF की एक प्लाटून अजमेर जिले में एक सप्ताह के परिचय अभ्यास के लिए आया था। इसी क्रम में कल पुष्करमी गया था और आज ब्यावर और विजयनगर में परिचय अभ्यास करेंगे, जिसमें थाने के अंदर जाके संवेदनशील स्थानों का दौरा करेंगे, भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा लेंगे और थाने के अंदर से सभी रिकॉर्ड जो पिछले दंगे क्या क्या हुए थे और धार्मिक जो अपना सामंजस्य यहाँ पर कैसा है, यदि भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ती है और पुलिस REF को बुलाती है तो हम जल्दी से जल्दी आकर के और कानून और व्यवस्था की स्थिति बना सके, इसी क्रम में यह दौरा किया जाए।